वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको फ्रॉक में या सूट में, ब्लाउज में, किसी में भी इस तरीके से ब्यूटीफुल गोटे से बने हुए लटकन डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है और आप आसानी से घर में बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। और ये अंदर की तरफ से सिलाई है, ये इधर सिलाई भी नहीं है, तो अंदर की तरफ से पूरी सिलाई गई है। और इस तरीके से गोटे की जो टिक्की आती है आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गोल्डन अवेलेबल नहीं था लेकिन ये सिल्वर में इस तरीके से अटैच कर देंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। तो मैं इसके लिए ये फैब्रिक ली हूँ। फैब्रिक मैंने कटिंग कर रखी है इस तरीके से। आप फैब्रिक को सिक्स इंच की लंबाई लेंगे और 6 इंच की चौड़ाई लेंगे। आप ये देखिए 6 इंच की लंबाई चौड़ा लेने के बाद आप इस तरीके से मार्क कर दें। जैसे मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ गोटे अटैच करने के लिए। यहाँ से भी आप 1.5 इंच लें। जो स्क्वायर में आप जो सिंपल वाली जो गोटे लेंगे ना, उसके लिए मैं आपको ये मार्क कर रही हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी 1.5 इंच। तो ये देखिए देखिए इस तरीके से मैंने ये लाइन एक स्क्वायर में ड्रॉ किया है। तो ये जो है इस तरीके से 1.5 इंच पे मैंने ली है। इसके बाद फिर क्या करना है, इस तरीके से हमें जो सिल्वर वाली इस तरीके से मैंने ली है ये गोटा, तो हमें गोटे को इस तरीके से अटैच कर देना है। सिंगल कप फैब्रिक पे हमें करना है ये, इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। यहाँ से पूरा इसी निशान के ऊपर स्क्वायर में कर देना है हमारे। एक कंप्लीट हो गया है फ्रेंड इस तरीके से स्क्वायर में। हमें दूसरे इस तरीके से इसे 1/2 इंच की दूरी पे इस तरीके से हमें या तो लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए या इसी के साथ आप लगा के इस तरीके से एक छोटा सा इस तरीके से यहाँ पे हम एक और सीक्वेंस की लाइन हमें सिलाई करनी है। ईजली ये स्टिच हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से आपने 2 स्क्वायर में इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसको हैंड से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे इसको हैंड से कर देंगे यहाँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे सुई धागे से कि ऐसे हैंड स्टिच कर दिया है। अब इसको तो फ्रेंड इस तरीके से आपको इसी सिंगल फैब्रिक पे ही इस तरीके से ये वाली लेस जो है समोसे वाली, आपको इस तरीके से सीधी इधर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से अटैच कर देना है चारों तरफ। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी जो दूसरा वाला जो कपड़ा था वो इसके ऊपर हमें इस तरीके से यूज़ करना है, और इसके जो कॉर्नर पे जिस तरीके से आपको इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है। जो पहले से ये सिलाई लगी हुई है इसकी, इसके साथ साथ आपको सिलाई लगा देनी है और थोड़ा सा 1 इंच के बराबर सिलाई आपको छोड़ देनी है। तो इस तरीके से सिलाई इसी सिलाई के बराबर बराबर में ही आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से सिलाई लग चुकी है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है। तो इस तरीके से हम इसे सीधे कर देंगे। और यहाँ पे किसी चीज़ की मदद से आप इस कॉर्नर को निकाल लेंगे। तो मैं निकाल के इसको प्रेस करूँगी इस पर। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने इसे पलट दिया है और ये प्रेस कर दी है। और ये बैक का है और ये फ्रंट पे इस तरीके से है। और यहाँ पे जो आपने ओपन की ये चीज़ सुना है तो आपको यहाँ पे डोरी इस तरीके से अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैं डोरी अटैच करूँगी और इसके कॉर्नर पे पूरी एक सिलाई लगा दूँगी यहाँ से कॉर्नर पे डोरी अटैच करके। और इसके और मैं चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से ये मैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस तरीके से लटकन बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगे होगा। आप इस तरीके से डिफरेंट तरीके से भी मल्टी कलर के थ्रेड के साथ, मल्टी कलर के
कपड़ों के साथ भी आप बना सकते हैं। और ये मैंने सिल्वर गोटे में बनाया है और ये गोल्डन में बनाया है, ये दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल से लग रहा है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।